हेलो नमस्ते, मेरा नाम सुषमा राय है। आज मैं कटोरी ब्लाउज कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये मेरा साइज है, मैं साइज में कटोरी ब्लाउज कटिंग करके दिखा रही हूँ। साइज ब्लाउज से कर रही हूँ, मैं साइज ब्लाउज में नाप लेके कटिंग कर रही हूँ। ये लाइनिंग क्लॉथ, ये मैं टू फोल्ड फोल्ड कर रही हूँ। ये मेजरमेंट ब्लाउज से मेजरमेंट लेके कटिंग कर रही हूँ। कटोरी ब्लाउज इसमें है, ट्वेंटी फोर चौड़ाई में, 24 लंबाई में है 14.5। मैं 1 इंच ज़्यादा रखती हूँ, 15 एंड हाफ। इसका 24 का हाफ 12 होता, मैं 13 रखती हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा। चौड़ाई में 13 इंच और लंबाई में 15 एंड हाफ। और शोल्डर 5 एंड हाफ। यहाँ 6 एंड हाफ। और 1 एंड हाफ गोलाई। बैक में लंबाई बैक में लंबाई ऐसा नापना है, 1/2 इंच छोड़ के 7 इंच रखना है। 6 एंड हाफ है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच रखना है। लंबाई में 7 इंच, चौड़ाई में 2 एंड हाफ। ऊपर में 2 स्ट्रेट लाइन लेके 1/2 इंच लेके, ये 1/2 इंच लेके राउंड शेप करना है। ये हो गया बैक साइड, ये हो गया बैक साइड। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये हो गया बैक साइड का कटिंग। अभी मैं फ्रंट साइड कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट साइड में इसको ऐसा तिरछा रखना है। क्रॉस रखना है इसको, बैक साइड को क्रॉस रखना है। पूरा क्रॉस करके उसको, उसके बाद ये क्रॉस रखने के बाद इसको पहले मार्क लगाना है, सामने का नेक, शोल्डर और आर्म।
ये हो गया हमारा, अभी इसमें मेजरमेंट लेना है। फ्रंट साइड बैक हो गया, फ्रंट साइड का मेजरमेंट लेना है। मेरे पास कटोरी ब्लाउज नहीं है साइज़ का, ये मेजरमेंट का कटोरी नहीं है, मैं प्लेन में ले रही हूँ। और इसका टोटल है 7, इसका टोटल मैं 7 रख रही हूँ। नेक फ्रंट नेक 7, फ्रंट नेक 7। लंबाई 7, चौड़ाई 2.5। और इसको हाफ पीस दे के गोला गोला आर्म्स के लिए यहाँ पे हाफ इंच निकलना है। और ये है क्रॉस पट्टी का 4.5। बीच का है, बीच वाला पास 14.5। और ये साइड पास 6.5, 4.5 है, मैं 5 रख रही हूँ। और ये बीच पास 14.5, 14.5। और साइड में 6.5 है, मैं 7 रख रही हूँ। इसको मैं मार्क कर दूँ। ये देख सकते हैं, ये हो गया मेरा मार्किंग। अभी कटोरी के लिए ऊपर से मैं 5.5 ले रही हूँ नेक का लंबाई, और ये आर्म्स का भाग से 2.5 ले रही हूँ। 2.5 नीचे का फाइव एंड हाफ ऊपर से, और यहाँ से आम 2.5, और ये बोला बीच का सेंटर का 7.5। ये वाला हो गया मेरा कटोरी ब्लाउज नाप साइज। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। इसमें मैं कटोरी कटिंग कर रही हूँ, ये पार्ट्स अलग अलग कटिंग करना है।
अच्छा दिल से आया तो उसमें फिटिंग अच्छा होता है। ये हो गया फ्रंट साइड, अभी मैं कट कर रही हूँ बेल्ट क्रॉस पट्टी। इसमें फोर फोल्ड करना है, क्रॉस पट्टी को साइज लेना है 3 3.5। ये बोला 2 2.5 लंबाई 11, लंबाई 11, लंबाई 11, ये है 2.5। हमने से अभी मैं इसमें हैंड्स कटिंग करती हूँ। ये हो गया 2 फोल्ड, 2 फोल्ड हो गया। अभी और एक फोल्ड, ये हो गया 3 फोल्ड। लेना है हैंड्स का लंबाई, हैंड्स की लंबाई 9.5 है। इसमें लंबाई 9.5 है, मैं ले रही हूँ 10.5। यहाँ से यहाँ मिलाना, ये हो गया हैंड्स का मेजरमेंट। नहीं है मेरे को पूरे नहीं होना, तो 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से, 3.5 एक्स्ट्रा ले लेंगे। रोल आएगा 3 इंचा कटिंग, सब 3 इंचा कटिंग में आएगा। ये हो गया मेरा कटिंग, कटोरी ब्लाउज कंप्लीट हो गया। ये बैग, ये बैग है, ये फ्रंट है, ये क्रॉस पट्टी है, ये हैंड्स। कैसा लग रहा आप लोग को मेरा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। ये कंप्लीट हो गया कटिंग, आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू, बाय।